तो देख रहे बेटा बात कर अपन कौन सी, हेल वुलहार्ट जेलिंस्की पूरे बात करें क्या रिएक्शन। हेल वुलहार्ट जेलिंस्की रिएक्शन दीदी बात करें क्या बनाने की बेटा बात करें अल्फा, जल्दी बोलो बेटा बात करें हेलो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा बेटा बात करें कार्बोक्सिलिक पूरे बात करें एसिड फॉर्मेशन रिएक्शन है, क्या बनाने की मेथड है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन मेथड। ठीक है तो अल्फा बेटा बात का हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है मुझे, ठीक है क्या बनाना है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अच्छा इसके लिए आपको चाहिए भी क्या बेटा बात कर कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड उठा लो आर सी एच टू सी डबल ओ एच, आप आर की जगह जुड़े कुछ भी ले सकते हो, मैथिल एथिल प्रोपेल कुछ भी होना चाहिए, आप चाहो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी उठा लो मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि यहां पर एसिड को अपन क्या बोलते बेटा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन कह रहा था अल्फा, मतलब ये कार्बन जरूर होना चाहिए। आप सोचो कि यहां पर मैं क्या फॉर्मिक एसिड ले सकता हूँ, नहीं ले सकते क्योंकि फॉर्मिक एसिड आप लेते हो मतलब डायरेक्ट यहाँ पर फिर तो एसिड से एच जोड़ रहे हो, तो यहाँ पर बेटा अल्फा कार्बन कहां से आएगा, और मुझे क्या चाहिए अल्फा हेलो, मतलब अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हटाना हो हेलोजन को वहां रिप्लेस करना है, तो इसके ऊपर रिएक्शन क्या करो बेटा बात कर किसकी रिएक्शन करना है, पहले अपन पढ़ ही चुके थे फर्स्ट स्टेप पूरे बात करें किसकी रिएक्शन करना है एक्स टू, एक्स टू मतलब क्लोरीन हो या बेटा बात करें ब्रोमीन, आयोडीन फ्लोरीन रिएक्शन नहीं करता, ठीक है मतलब मुझे पूरे बात करें अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो डेरिवेटिव मिल सकता है, ठीक है किसमें बेटा बात करें इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, किसी प्रेजेंस में रेड फॉस्फोरस, सेकंड स्टेप में क्या कर देना है बताओ बेटा बात करें एच टू रिएक्शन करना है मतलब हाइड्रोलाइसिस करना है, तो बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा कभी भी रिएक्शन उठा के देगा वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, और यहाँ पे गुड़े ये लिखा उसने क्या लिखा है एक्स टू मतलब क्या लिखा है हेलोजन की रिएक्शन करवा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, यहाँ सोडा लाइम लिखा है क्या, अगर सोडा लाइम लिखा होता तो अपन क्या करते डी कार्बोक्सिलेशन कर दे क्योंकि तो एसिड है ना, और उससे क्या बनाते अपन एल्केन बनाते वो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता, लेकिन दोस्त यहाँ पे कर क्या रहे अपन अल्फा हेलो डेरिवेटिव बना रहे, मतलब बेटा बात कर रहे अल्फा कार्बन का कोई हाइड्रोजन आप हटा दो, अल्फा कार्बन का क्या करना है हाइड्रोजन को पूरे बात करें हटाना है और वहां पे हेलोजन को चिपकाना है, बस इतनी सी काम करना था कुछ करना ही नहीं है, यहां जो पूरे बात करें रिएक्टेंट है उसको वैसे का वैसा ही लिख दो, कुछ समझ में आ रहा है, बस जहां पे अल्फा का पूरे बात करें हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हटा के क्या जोड़ना है आपको हेलोजन जोड़ना है या तो क्लोरो या तो ब्रोमो, समझ पा रहे इनकी जगह सीधा अपन लिख देते हैं एक्स जोड़ा क्या जोड़ा, तो ये हो गया ना हमारे पास अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो या अल्फा हेलो, अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो या अल्फा हेलो, हेलो तो इसलिए बोल देते कि क्लोरीन जोड़ रहा है कि ब्रोमीन आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मुझे रिएक्शन करना है तो आप कैसे करके जाओगे वहां पर स्टैंडर्ड रिएक्शन नहीं लिखोगे, आपको बेटे कोई एग्जांपल लिखना है, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर मैथिल सी एच टू सी सी डब्ल्यू एच मतलब आपने क्या ले लिया प्रोपनोइक एसिड, प्रोपनोइक एसिड के ऊपर रिएक्शन कर दिया आपने सी एल टू के इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस, और सीधा बना दो यहाँ पर सी एच थ्री सी एच सी एल और सी डब्ल्यू एच, समझ पा रहे मतलब आपने क्या बना दिया, आपने बना दिया बेटा बात कर यहां पर टू क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, ये है बेटा बात कर आपका अल्फा हेलो डेरिवेटिव, क्या है अल्फा हेलो डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं बेटा बात कर हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, तो हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्या बनाने की मेथड है अल्फा हेलो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा लेकिन उसमें उसके अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ और कोई हेलोजन जोड़ो, ये बनाने की मेथड है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो कर पाओगे कैसे लिखोगे बेटा बात करें व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे आपने लिखा प्रोपेनोइक एसिड मेथड लिया प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट विद बेटा बात करें क्या क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस टू फॉर्म क्या बेटा बात करें वन टू थ्री टू क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड इज कॉल्ड हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे हो जाएगा करो नोट करो फटाफट, समझ कुछ है नहीं।